तो यारो कैसे हो? सब ठीक है? और जीरो ब्रेकडाउन है इस चैनल पे, लेकिन आज सब बदलने वाला है। देखो, ये वीडियो चालू करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, इनकेस मेरा एनालिसिस कुछ ज्यादा ही डीप निकला और ये सारी बातें सच हो गई तो, इसलिए प्रिकॉशन में वार्निंग दे रहा हूँ। और मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक ही बात बार बार बोल के मैं तुम्हारा और मेरा खुद का टाइम क्यों वेस्ट करूं। सो लेट्स बिगिन। तो बवा सिंह की उम्र 38 साल है और वो शादी के लिए बहुत ही डेस्परेट है, इतना कि बारिश होते हुए भी दिल्ली से मेरठ आ गया। और ये सीन शूट हुआ है शादी.com के ऑफिस में। नाइस प्रोडक्ट प्लेसमेंट। और इस ऑफिस में अनुष्का की फोटो, मतलब कि वो भी शादी करने के लिए इंटरेस्टेड है, या फिर उसके किसी रिश्तेदार ने दे दिया की जबरदस्ती। रिश्तेदार। नेक्स्ट सीन है एमिटी ग्लोबल स्कूल का, जहाँ पे बवा सिंह को पता चलता है कि अनुष्का एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है। और उसके एक्सप्रेशंस, यहाँ पे शायद एक डॉली जूम होगा। नाइस। एक और इंटरेस्टिंग बात कि जब बवा सिंह उसको मिलने जाता है तब हाथ में कबूतर है, लेकिन जब एक्चुअल में मिलता है तब ना। ये फ्रेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बैकग्राउंड को देख के लगता है कि वो एक थियोरेटिकल सिद्धांतिक भौतिक विज्ञानी। और अनुष्का का कैरेक्टर स्टीफन हॉकिंग से इंस्पायर्ड लगता है। तो थोड़े डायलॉग एक्सचेंज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। अबे लड़की मिल रही है तुझे शादी करने के लिए, वरना तुझ जैसे को तो लौटा ना मिले। क्योंकि बवा सिंह तो था ही डेस्परेट और अनुष्का उसको पसंद कर लेती है। गवार पसंद है मुझे। आखिर बवा सिंह को कौन नकार सकता है? और उसकी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, या शी इज रूड। और हाथ में बोतल में, देखो किसी इवेंट में इतने पब्लिक के सामने शॉर्ट्स में जाने के लिए डेयरिंग चाहिए। और शी इज सो ड्रंक दैट शी डजंट गिव अ फक अबाउट मेंटेनिंग हर इमेज। और हमको तो पहले ही पता है कि बवा सिंह कैटरीना का कितना बड़ा फैन है। अब ये सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ठरकी कहीं के। इस सीन में कैट ने सेम कपड़े पहने हैं जो उस इवेंट में पहने थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी इवेंट के लिए मेरठ आई होगी, जहां बवा सिंह उससे मिलता है और अपना बवा सिंह उसको इतना पसंद आ गया कि यू नो द रेस्ट, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है। और कैट के चेहरे से ऐसा लग रहा है कि उसके सिर का कोई बड़ा टेंशन चला गया हो। मूविंग ऑन, सम डांसिंग खुशी के पल एंड वॉट नॉट। अभी सीन में बवा ने सेम जैकेट पहना है जो उसने पिछले सीन में पहना था, और ये स्कूटर भी उस सीन में था। तो इसका मतलब कैट उसको छोड़ के जा रही है और वो उसका पीछा कर रहा है, बवा सिंह ये। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये कि ये बाकी लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली तो ऐसे कोई गाड़ी नहीं चलाता, और आगे भी एक सीन में कुछ लोग उसका पीछा करते दिख रहे हैं। सो आई थिंक कि कैट ने उस इवेंट में कुछ ऐसा कर दिया होगा कि लोग उससे नाराज हो गए और वो उसकी गाड़ी के पीछे पड़ गए। अब इन लोगों से बचाएगा सिर्फ एक आदमी, जी हाँ, बवा सिंह। और उसके बदले उसको मिलेगा। लेकिन अब इसके बाद बवा अनुष्का से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो भाग रहा है शादी से। और ये भी एक शादी का सीन लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में लोगों को ऑब्जर्व करने के बाद ये श्योर है कि ये मूवी का कोई सेट है। आई थिंक वो कैटरीना के साथ US चला जाता है और अनुष्का भी उसके पीछे पीछे। लेकिन कैट को बवा सिंह से कुछ गिले शिकवे हो जाते हैं और वो उसको निकाल देती है। Out! देखो, इस मूवी को लेके ये स्पेकुलेशंस थे कि बवा सिंह एक एलियन है और ये लास्ट का सीन उससे जरूर कुछ तो कनेक्टेड है, या फिर ही इज नॉट एन एलियन। और वो इन दोनों से इतना तंग आ जाता है कि वो लास्ट में डिसाइड करता है कि वो एस्ट्रोनॉट बनेगा और वो अब सीधा मार्स पे जाके ही रुकेगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो एलियन होगा। देखो जिस स्टाइल में इस मूवी के टाइटल कार्ड्स डिजाइन किए हैं, जिसमें कॉमेट दिख रहा है नीचे गिरता हुआ और अनुष्का का एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट होना, और ये सीन, ऐसा कौन कर सकता है? तुम कर सकते हो? तो मुझे लगता है कि इसका कुछ तो कनेक्शन है और शायद बवा एक एलियन ही हो। लेकिन मुझे एक डाउट ये लग रहा है कि इस सीन में बैकग्राउंड में हम उसके फैमिली फोटोज जरूर देख सकते हैं, और अगर वो एलियन है तो इस फैमिली को कैसे और कब मिला? अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और तुमको क्या लगता है, क्या वो सच में एलियन है? और तुमको ये ट्रेलर कैसा लगा, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। इस ट्रेलर ने एक तो अच्छा काम किया, हमको स्टोरी के हिंट्स तो दे दिए लेकिन पूरी स्टोरी नहीं बताई, सो गुड जॉब। देखो, रिलेटिवली बात करूँ तो ये चैनल अभी नया है, और सिर्फ मूवीज़ ही नहीं, मैं इस चैनल पे अलग अलग टाइप के कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में डाला था। देखो, इंडिया में बहुत सारे लोगों को
गूगल के बारे में नहीं पता, हम उनके प्रोडक्ट्स तो यूज़ करते हैं लेकिन वो हमें कैसे यूज़ करते हैं ये बहुत लोग नहीं जानते। तो अगर तुम्हें इस बारे में जानना है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, और कल 2.0 का ट्रेलर भी आने वाला है तो उसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा तुम्हें इस चैनल पे। उसके लिए फिर सब्सक्राइब कर लो। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।